मी 11X, पोको F3 एंड रेडमी K40 के लिए MIUI E-Lite का एक नया बीटा वर्जन वीकली अपडेट पे आया है और ये आपको बेसिकली बिल्ड है 22.6.15 वीकली बीटा वर्जन पे। तो E-Lite डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तरफ से ये आपको रोम मिल जाता है, कर्नल आपको पफ ही देखने को मिल जाता है और थोड़े से कस्टमाइजेशन, मिनिमल 2-4 कस्टमाइजेशन आपको मिल जाते हैं। बाकी के जो कस्टमाइजेशन मिलने वाले हैं वो पेड वर्जन में मिलता है, तो उसके लिए आपको पेड वर्जन यूज़ करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पेमेंट पेपैल से या फिर पेटीएम, गूगल पे या फ़ोनपे से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। रैम एक्सटेंशन इसमें आपको देखने को मिल जाता है, सिक्योरिटी अपडेट आपको 6 जून का देखने को मिलता है, कर्नल आप पफ देख रहे हो जो अपस्ट्रीम आपको मिलने वाला है 4.19.157 पे पफ कर्नल। देन कस्टमाइजेशन में थोड़ा सा आपको E-Lite डेवलपमेंट की तरह से कस्टमाइजेशन मिल जाता है जो मैं आपको बैक करके दिखा दूंगा। देन स्पेशल फीचर्स वगैरह भी आपको सेम मिलने वाले हैं, जो UI जो फंक्शन है वो आपको MIUI जैसे ही मिलने वाला है, कोई खास चेंजेस में नहीं है। तो जो चेंजेस है वो आपको E-Lite कस्टमाइजेशन लाइट में देखने को मिलता है, जिसमें आपको अनलॉक करने के लिए जो फीचर्स है और एक्स्ट्रा फीचर्स को अनलॉक करने के लिए यहाँ पर आपको फीचर्स ऑफ E-Lite रोम प्लस नेक्स्ट जेन अदर देन E-Lite रोम, तो यहाँ आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा वो पेपल से या फिर उसको डायरेक्ट PM कीजिए और इजी पैसा वगैरह पेमेंट एप्लीकेशन से पेमेंट कर सकते हो। PIP साइज, चार्जिंग एनिमेशन के आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिलेंगे इसमें, प्राइवेसी डॉट आइकन, कलर नोटिफिकेशन आइकन्स वगैरह, हल्के फुलके कस्टमाइजेशन आपको E-Lite कस्टमाइजेशन लाइट में देखने को मिल जाता है। आगे नेक्स्ट कस्टमाइजेशन की तरफ हम मूव करते हैं, तो नीचे में आपको साउंड एंड टच देखने को मिलता है। तो साउंड इफेक्ट जो मिलता है उसमें आपको डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है, बाय स्टॉक जो आपको MIUI पे के जो कर्न मिल जाते हैं स्टॉक रूम उसकी वाली फील आपको देने वाला है डॉल्बी एटमॉस पे, काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर साउंड है। बेस वगैरह जो आपको अच्छा लगता है, जो म्यूजिक लवर है उनको बहुत पसंद आने वाला है डॉल्बी एटमॉस। सारे ग्राफिक इक्वलाइजर वगैरह प्रॉपर वर्क करते हैं, डॉल्बी काफ़ी अच्छे से इंप्रूव है आपके ब्लूटूथ डिवाइस पे भी, ईयरफोन डिवाइस पे भी, अदर स्पीकर डिवाइस पे भी एक्सटर्नल, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला। हैप्टिक फीडबैक वगैरह भी आपको पर मिल जाते हैं। वीडियोस प्रोफाइल के लिए आपसे आप थीम्स भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने प्रोफाइल पे सेट कर सकते हो। बैक जाने पे हमें जो न्यू कस्टमाइजेशन मिलता है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडिशनल की सेटिंग्स पे। तो एडिशनल सेटिंग्स से पहले मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर जो फ्लोटिंग पॉइंट्स है वगैरह, जो स्पेशल फीचर्स वगैरह है, जो फ्लोटिंग विंडोज़ वगैरह है उसमें आपको साइड बार को थोड़ा सा साइड कर दिया गया है, मतलब कि थोड़े अंदर जाके आपको साइड बार का देखने को मिलता है, जिसमें आप साइड बार को ऑलवेज शो ऑन करके कोई अदर एप्लीकेशन, किसी एप्लीकेशन पे होने के बावजूद भी आप अदर PIP विंडोज़ की साइड में आप गेम वगैरह या फिर अदर एप्लीकेशन को रन कर सकते हो और अच्छे से वर्क भी करेगा। इवन आपका यह टच भी काम करेगा, ऊपर आप एप्लीकेशन को टच करके चला भी सकते हो स्मूथली, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होने वाली। लाइट मोड देखने को मिलता है, जिसमें आप लाइट मोड आपका प्रॉपर वर्क करता है, जिसमें आपके जो वाइड होते हैं, जो डिस्प्ले के टेक्स्ट होते हैं, आइकन साइज होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है आपको लाइट मोड में। आप यहाँ से टैप टू टर्न ऑफ लाइट मोड भी कर सकते हैं या फिर बैक जाके मैं वहीं सेटिंग से जाके ऑफ करता हूँ इसको। तो हम लोग चलते हैं पहले स्पेशल फीचर्स पे, लाइट मोड पे, उसके बाद टर्न ऑफ लाइट मोड, जहाँ से मैं लाइट मोड को ऑफ कर देता हूँ। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कस्टमाइजेशन आने वाला है इसमें जो चेंजेस हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कस्टमाइजेशन की ओर। तो स्पेशल फीचर्स में आपको नेक्स्ट मिल जाता है प्राइवेसी प्रोटेक्शन लैब, तो ये आपको रिक्वायर करेगा अप्रूवल फॉर एक्सेस फोन नंबर। तो सेकेंड स्पेस आपको वर्क करता है सेकेंड स्पेस में आपको कुछ स्टोरेज आपको अलग हो जाएगा सेकेंड स्पेस के लिए। देन एडिशनल सेटिंग्स में आपको गेस्ट शॉर्टकट्स, क्विक बॉल, वन हैंडेड मोड, क्लियर स्पीकर, एक्सेसिबिलिटी एंड मेमोरी एक्सटेंशन मिलता है। तो मेमोरी एक्सटेंशन आपके फ़ोन में आपकी स्टोरेज से, आपके इंटरनल स्टोरेज से 3 GB एक्स्ट्रा लेके आपके 3 GB को रैम में, वर्चुअल रैम में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली ये वर्चुअल रैम आपको उतना डिफरेंस नहीं देगा, मतलब 0.01% आपका इफेक्ट पड़ता है आपके डिवाइस पे 3 GB के कारण। तो वो आपको बस एक वर्चुअल है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उससे। डिस्प्ले में आने पे आपको डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट 120, 60 और 90 मिलता है। 90 में करके यदि आप 90 Hz पे करके यदि गेम इंस्टॉल करोगे तब आपका डिवाइस 90 FPS सपोर्ट करेगा। यदि आप 60 पे हो और गेम इंस्टॉल कर रहे हो, गेम रन कर रहे हो, तब आपका नहीं करेगा या 120 में। तो आपको 19 Hz पे पहले कर लेना है रिफ्रेश रेट को, देन आप गेम इंस्टॉल करना।
कलर स्कीम आपको मिल जाता है, एआई इमेज इंजन आपको प्रॉपर वर्क करता है, देन रिफ्रेश रेट तो आपको देखिए क्या, यहाँ पे कंट्रोल एंड सेंटर बार में यहाँ पे आप शो कनेक्शन की स्पीड कर सकते हो, बैटरी इंडिकेटर को चेंज कर सकते हो, देन नेक्स्ट टू द आइकन, देन उसके बाद आप नेक्स्ट कस्टमाइजेशन की ओर जब हम मूव करेंगे तो फिर आप देखते हैं कि इसमें आखिर आपको क्या मिलने वाला है। नोटिफिकेशन कंट्रोल्स आपको जो मिलने वाले ओल्ड और न्यू वाला, वो आपको यहाँ से चेंज होगा, तो ओल्ड वर्जन न्यू वर्जन के लिए आपको ये करना पड़ा। नीचे आपको दिख रहा है म्यूजिक प्लेयर वाइड गेट, तो इसका काम है कि यदि आप इसको ऑन करोगे तो म्यूजिक के जो प्लेयर वाइड गेट्स हैं वो आपके होम स्क्रीन मतलब कि स्टेटस बार पे शो होंगे, यदि ऑफ कर दोगे तो शो नहीं होगा, तो ये आपको ऑप्शन मिलने वाला है। फिर उसके बाद हमारा नीचे स्टेटस बार आ जाता है जिसमें आपको सो नोटिफिकेशन आइकन्स कनेक्शन स्पीड और शो कैरियर व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको कोई अलग से कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलता, एओडी वगैरह भी आपको प्रॉपर वर्क करता है। इसमें एक दिक्कत आपको होने वाला है कि आपका फेस वगैरह सही से काम करने वाला, बट फिंगरप्रिंट में कभी कभी एरर आता है, कभी कभी आपका सही होने पे भी वो प्रॉपर कस्टम रोम की तरह आपके फिंगरप्रिंट एरर ऑथेंटिकेशन ज़्यादा होता है, सक्सेसफुल रेट कम है इसका, वो आपको दिक्कत होने वाली फिंगरप्रिंट में दिक्कत का होगा कभी कभी। एंड फिर आपको सीपीयू थ्रॉटल पे रन करेंगे तो सीपीयू थ्रॉटल 5 मिनट की रनिंग पे आपको जो स्कोर देता है वो 89% तक देता है। मैक्सिमम जो GIPS मिलता है वो आपको 2,78,000 मिल जाता है, एवरेज आपको 2,57,000 मिल जाता है, और मिनिमम आपको 1,00,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। और Geekbench 5 के जो स्कोर है वो आपको काफ़ी अच्छे हैं, सिंगल कोर में भी 984, मल्टी कोर स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो मल्टी कोर स्कोर जो आपको मिल जाता है वो मल्टी कोर स्कोर में 3,274 देखने को मिलता है, जो आपको काफ़ी बेटर देखने को मिल जाता है। अंतुतु स्कोर का भी आपको मिल जाता है, अंतुतु स्कोर मैंने यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया, बट अंतुतु स्कोर जो आपको मिलता है वो 6,2,34 देखने को मिल जाता है, तो ये आपको मिल जाता है अंतुतु के स्कोर। मैंने एक्सीडेंटली मतलब कि बंद हो गया एप्लीकेशन तो मैंने स्क्रीनशॉट वो नहीं ले पाया। बाकी आपको गेमिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, 90 FPS पे आपका फ्लक्चुएशन होता है, 60 FPS आप कांस्टेंट खेल सकते हो। HDR वगैरह पे आपको दिक्कत देने वाली, HDR+ एक्सट्रीम पे आपको दिक्कत देने वाला है, और यदि इस रोम को फ्लैश करना है तो वो आपको मेथड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब अब हम चलते हैं अपने गेम प्ले पे और आपको दिखाता हूँ कि इसका गेम प्ले आपको कैसा देने। इवेंट वाली है ना जो 2 मिली होगी। पहले बहुत लंबा काट रहे हैं, अभी जो मिट्टी का ही उसमें जो मिट्टी डाली है उसको तो पूरी सब मिल जाएगी। टोटल जो परफॉर्मेंस दे रहा है वो आपको स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल मिल जाता है, और काफ़ी सारे बंदे मतलब 2 से 3 स्क्वाड आए हैं, तो यहाँ पे आपको मतलब ट्रू चेकिंग हो रही है क्या आपका ऐप से क्या रेंडरिंग इशू वगैरह है, तो वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। Watch out!
तू कहीं दूसरा ना हो तो देख दे। ओवरऑल ये रूम आपको उतना स्टेबिलिटी नहीं दे रहा 90 FPS के लिए, 60 FPS के लिए आप इसमें जा सकते हो। HDR प्लस एक्सट्रीम आपका उतना प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, बट स्मूथ प्लस एक्सट्रीम आपका सही चलेगा। बैटरी कंजप्शन आपको सही मिलने वाली, फास्ट चार्जिंग काम करता है, डॉल्बी एटमॉस मिलने वाला है, कैमरा आपको अच्छी क्वालिटी का देखने को मिल जाता है। तो यदि आपको इंस्टॉल करना है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से सारे टूल्स वगैरह ले सकते हो। हाउ टू फ्लैश का एक वीडियो बना रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हो। हालांकि मैंने यहाँ पे आपको 90 FPS का पूरा गेम प्ले अच्छे से दिखा दिया लगभग 2 से 4 स्क्वाड के बीच में, तो आपको पता चल गया होगा कि क्या ये 90 FPS के लिए है या फिर नहीं। स्टेबिलिटी जो परफॉर्मेंस आपको दे रहा है एक टाइम पे आपको सही दे रहा है, बट दूसरे ही टाइम पे ये लैग और रेंडर करके आपके FPS को डाउन कर देता है। वो एक्सट्रीम आपको जो रेंडर होता है अचानक वाला वो आपको जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो 63 हो गया, 64 हो गया, वो अचानक हो जाता है FPS, ठीक है। और अब देखो 8 FPS जो आपका वो 89 से आपका डायरेक्ट 69 मतलब 20 FPS डाउन हो जाता है। तो आप में ऐसे में फाइट नहीं कर पाओगे 90 FPS में। तो 60 FPS के लिए आप जा सकते हो, 60 FPS के लिए आपको कोई इशू नहीं होगा। तो आपको इंस्टॉल करना है आप इंस्टॉल कर सकते हो, सारी चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।